हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज है सीएटीएस टेस्ट नंबर 1 के फटाफट डिस्कशन को हम लोग देख लेते हैं। टोटल हम लोग 4 पार्ट्स में इसे देखेंगे और हर एक पार्ट में 25 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो आंसर है वो बता दूंगा, साथ ही साथ में जो इससे रिलेटेड थोड़ी मोड़ी करंट अफेयर्स है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे सीरीज में फटाफट। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो आप लोगों को देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सीपीआई जो होती है वो कई सारी निकलती है, लाइक सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए निकलती है, सिमिलरली और भी बहुत सारी सीपीआई निकलती है, सिमिलरली जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर हो गया या फिर एग्रीकल्चर वर्कर मैंने बोला ही, इसके अलावा अर्बन के लिए अलग निकलती है, रूरल के लिए अलग निकलती है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सीपीआई हो जाती है। जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर या एग्रीकल्चर वर्कर होते हैं इसकी जो सीरीज निकलती है वो निकाली जाती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा, और बाकी जितनी भी सीपीआई से रिलेटेड होती है वो सारी कुछ निकाली जाती है किसके द्वारा, सीएसओ के द्वारा। WPI में बात किया जाए तो WPI जो निकाली जाती है वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा निकाली जाती है, तो इस वजह से ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। लेकिन यहां पर देखिए दो स्टेटमेंट है, दूसरी है मंथली निकाली जाती है, तो बिल्कुल मंथली ये निकाली जाती है। सीपीआई में कुछ डेटा है जो वीकली बेसिस पे निकाले जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। अगर भाई WPI के बारे में बात करें तो यहां पर देखिए फ्यूल और फूड का प्राइस ज्यादा होता है, वेटेज ज्यादा होती है, बट बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग ही मेनली यहां पर रहती है, तो फोकस यहां पर मैन्युफैक्चरिंग रहता है, और इस वजह से आप देख सकते हैं जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, और तीसरी स्टेटमेंट भी यहां पर करेक्ट है, क्योंकि यहां पर 2011-12 का हालांकि बेस ईयर लिया तो जरूर गया है लेकिन इसे 2017 बनाने की बात चल रही है। तो रिसेंटली अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रमेश चंद हैज बीन अपॉइंटेड फॉर रिविजन ऑफ बेस ईयर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। तो तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर इसका हो जाएगा डी। आगे अगर बात किया जाए, नेक्स्ट अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यू नेशनल रबर पॉलिसी। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर्स है, यहां पर है कि रबर पॉलिसी को चेंज किया जा रहा है, और रबर बेसिकली जो टायर्स वगैरह में लगाए जाते हैं उनको ही चेंजेस किए जा रहे हैं। यहां पर देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, यहां पर जब आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल हैज कम अप विद अ न्यू नेशनल रबर पॉलिसी इन मार्च 2019, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये एक नई पॉलिसी लेकर के लोग आए हुए हैं। द नेशनल रबर पॉलिसी इंक्लूड सेवरल प्रोविजन टू सपोर्ट द नेचुरल रबर प्रोडक्शन सेक्टर एंटायर रबर इंडस्ट्री वैल्यू चेन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, वो पढ़ करके ही आपको एक आइडिया लग जा रहा होगा कि दिस इज बेसिकली अ करेक्टिंग, या फिर कह सकते हैं ये एक इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज के रूप में लिखी गई है। इंडिया जो होती है वो फोर्थ नंबर पे प्रोडक्शन में है और सेकंड नंबर पे कंजम्पशन में है, इंडिया से ऊपर ब्राजील आ जाता है और साथ ही साथ में चाइना भी आ जाती है, तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट, तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, और यहां से आप देख सकते हैं आंसर इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। आगे अगर देख लेते हैं, आगे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नेशनल मिशन ऑन नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन। इसमें हो ये रहा है कि अगर मान लेते हैं कोई हिंदी में है या इंग्लिश में है या संस्कृत में किसी लैंग्वेज में लिखा गया है तो इसको मशीन के थ्रू ट्रांसलेट कर दिया जाएगा, बेसिकली यहां पर जो चीजें की जा रही हैं वो एक ट्रांसलेशन है, वो AI बेस्ड रहेगा, तो मशीन से ये सब काम किया जा रहा है। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिस ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैज लॉन्च्ड अ मिशन बेस्ड ऑन द की मिशन आइडेंटिफाइड बाय द PMSTICI एडवाइजरी काउंसिल। देखिए कल गलत स्टेटमेंट हो जाएगी क्योंकि यहां पर ऑफिस ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये बेसिकली किया गया है MEITY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो देखिए यहां पर आपको थोड़े से स्टेटमेंट पकड़ने पड़ेंगे, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे, इट एम्स टू मेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल टू ऑल बाय फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू टीचिंग एंड रिसर्च मटेरियल बाइलिंगुअली इन इंग्लिश एंड इन अदर नेटिव लैंग्वेज, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, केवल और केवल यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा, टू ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, विच इज द मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज अमंग द गिवन ऑप्शन इन द कंट्री। तो यहां पर देखिए तुलु लैंग्वेज जो है वो सबसे ज्यादा बोली जाती है, जो तुलु लैंग्वेज है, इनफैक्ट अगर आप एक मूवी है सिंघम मूवी देखी होंगी अगर, तो वहां पर ये एक मतलब कोस्टल एरिया से पकड़ा जाता है एक बंदा, और वो तुलु लैंग्वेज ही बोल रहा होता है, तो ये जो है
साउथ की है और संगम लिटरेचर में इसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। साउथ की एक लैंग्वेज होती है जो काफी ज्यादा स्पीकिंग है, बहुत ज्यादा बोली जाती है, न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये डिमांड कर रही है कि शेड्यूल 8 में भी इसको रखा जाए, क्योंकि शेड्यूल 8 में बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जैसे तमिल, गुजराती, मराठी, मिजो, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कम बोली जाती हैं, बट स्टिल उनको रखा गया है, जबकि तुलु ज्यादा पुरानी है, ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है एंड क्लासिकल लिटरेचर्स भी इसके लिए अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, तो ज्योग्राफिक फिनोमिना जायर इज फॉर्म्ड इन द ओशियन ड्यू टू ओशियनिक सर्कुलेशन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें क्या चीज नॉट ऑब्जर्व, कहां पर ये जायर नहीं देखने को मिलता है। तो देखिए जायर इज व्हाट, जायर इज बेसिकली अ सर्कुलेशन, ये एक सर्कुलेशन होती है और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक में ये काफी ज्यादा स्ट्रांग सर्कुलेशन बनती है। अगर हम लोग देखें कि यहां पर कहां पर नहीं बनती है, तो देखिए नॉर्थ पैसिफिक थोड़ी मोड़ी तो बन सकती है, अटलांटिक अगेन थोड़ी मोड़ी बन सकती है, आर्कटिक ओशियन में नहीं बनेगी बिकॉज इट इज द अपर मोस्ट पार्ट, यहां पर ये नहीं बनती है। सिमिलरली इंडोनेशियन में देखेंगे तो हल्की फुल्की बन जाती है, बट अगेन अगर ये बात किया जाए कहां पर स्ट्रांगली क्रिएट होती है, तो आप जान लीजिए कि नॉर्थ अटलांटिक में काफी स्ट्रांगली क्रिएट होती है, जिसका नाम होता है सरगासो, जैसे सरगासो यहां पर जो होती है स्ट्रांगली बनती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द PMSTICC, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। यहां पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि इट इज एन ओवरआर्किंग बॉडी विद फंक्शन ऑफ असेसिंग, क्रिएटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग मेजर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इंटरवेंशन इन इंडिया। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, आप सीधे सीधे लिंक कर सकते हैं और चीजों के बारे में जान सकते हैं। इट एम्स टू फैसिलिटेट कोलैबोरेशन टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगेन करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी आप लिंक कर सकते हैं। लास्टली यहां पर बताया गया है कि मेती के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, नन ऑफ द अबव यहां पर ऑप्शन हो जाएगा। पूछा क्या है यहां पर, करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑल थ्री करेक्ट है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे अगर देखें तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टेस, टेस का मतलब हो गया ये नासा की एक सैटेलाइट है, तो देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसने केपलर को रिप्लेस किया है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये ट्रांसिटर टेक्नोलॉजी वर्क करता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, सारा ही इसमें सही स्टेटमेंट हो जाएगा, ऑल द अबव करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में देख लीजिए, प्रिजर्व हेरिटेज फॉर प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय, देखिए ये जो प्रिजर्व हेरिटेज है बेसिकली ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है, तो इसलिए इसका जो कंटेक्स्ट है वो आपको पहले पता चल जाए, आंसर तो आपको पता ही चल गया कि दिस इज आंसर ए हो जाएगा। यहां पर हुआ क्या है कि बुद्धिस्ट रेलिक एक मिली है, मतलब कि बुद्धिस्ट जमाने की, बुद्धिस्ट की एक रेलिक्स मिली है, मतलब एक अवशेष मिला हुआ है जो कि एक बेसिकली स्तंभ है, इस स्तंभ पे लोटस और कई सारी और भी चीजें मिली हुई है जिसको कि हम लोग देख करके इसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, तो बुद्ध के जमाने की चीज है और ये हम लोग देख पाते हैं यहां से, तो इसी वजह से इसका नाम ही है प्रिजर्व हेरिटेज फॉर प्रॉस्पेरिटी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, एलिफेंट बॉन्ड के बारे में है। ये देखिए एलिफेंट बॉन्ड हालांकि बहुत ही पुराना है, बट फिलहाल हुआ क्या है कि एक सुरेश भल्ला कमेटी है वो बनाई गई है, सुरेश भल्ला कमेटी, और ये बेसिकली बनाई गई है मर्चेंट, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि ट्रेड एंड पॉलिसीज को बनाने के लिए, देखने के लिए। तो यहां पर अगर बात किया एलिफेंट बॉन्ड के, एलिफेंट इज बेसिकली व्हाट, एलिफेंट इज फैट मैन, तो फैट मैन का मतलब यानी फैट एनिमल का मतलब क्या है, जिसकी भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम या फिर ब्लैक मनी वगैरह पाई गई है, तो उसको इसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इज बाउंड टू इन्वेस्ट इन दैट। तो ये स्टेटमेंट यही है, दिस बाउंड इज इश्यूड टू दोज पीपल हु डिक्लेयर देयर प्रीवियसली अनडिस्क्लोज्ड इनकम एंड आर देन बाउंड टू इन्वेस्ट 50% ऑफ देयर अमाउंट इन दीज सिक्योरिटीज, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। देखिए इस पे क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा, हालांकि ये पेपर अपने आप में ही काफी ज्यादा यूपीएससी एक्सपेक्टेड लाइन पे ही बना हुआ है, बट स्टिल आप इसमें भी इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिलहाल इस प्रेजेंट प्रिलिम्स के लिए। द फंड गैदर बाय द इश्यूएंस ऑफ दीज बॉन्ड्स इज यूटिलाइज्ड टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ओनली, तो यहां पर केवल और केवल क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है, यस ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ही बनाया गया है, एंड द स्टेटमेंट विल बी सी करेक्ट हो जाएगा यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाए, वन नेशन वन राशन कार्ड वॉज रिसेंटली न्यूज, यहां पर क्या है, तो देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड हालांकि ये जून मंथ की करंट अफेयर्स है, लेकिन फिलहाल अभी मई मंथ में भी आप लोगों ने देखा कि आत्मनिर्भर भारत स्कीम लेकर के आई गई है, काफी भारी भरकम स्कीम है,
तो अगेन ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड है ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इसको ध्यान में रखिएगा क्या चीज है यहां पर. देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर जो स्टेटमेंट वन है राशन कार्ड वो इश्यू किया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये. हालांकि लिखा रहता है इसके ऊपर भारत सरकार जरूर लिखा होता है. कभी आप अपना राशन कार्ड उठा करके देखिएगा, भारत सरकार जरूर लिखा रहता है, लेकिन अगेन लिखा रहता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लिए या किस गवर्नमेंट के लिए. तो इट इज बीइंग इश्यूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. इसके अलावा आप ये भी सोच सकते हैं कि ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है. जो फूड होती है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होती है, और इस वजह से हमें शेड्यूल 7 के हिसाब से भी हम लोग बता सकते हैं कि ये कहां पर इंक्लूड किया जाना चाहिए. इसके बाद क्वेश्चन नंबर मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 में देखेंगे दीज 3 कैटेगरी से होती है, बिल्कुल करेक्ट है. देखिए यहां पर 3 कैटेगरीज होती हैं. एक होती है जो येलो कलर की होती है, येलो का मतलब होता है जो अप एबव पॉवर्टी लेवल होते हैं. एक होती है जो व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट जो होती है बेसिकली वो बीपीएल कार्ड होती है, और इसी तरीके से रेड होती है जो अंत्योदय कार्ड होती है. ठीक है, तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो जाएंगी, इसका आंसर सी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करें तो प्लास्टिक क्रस्ट वॉज रिसेंटली न्यूज, और यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है क्या करेक्ट है. इट इज अ लेयर ऑफ पॉलिथीन एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली प्लास्टिक इंटरेस्टेड इनटू ओशन रॉक. देखिए प्लास्टिक को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो मैं बता दे रहा हूं यहां पर. पहली चीज एक है ओशियन क्लीन प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि हवाई और यूएस के बीच में जितना भी प्लास्टिक कचरा इकट्ठा हो रखा है उसको हटाने की बात कही जा रही है ओशियन क्लीन मिशन के अंतर्गत. दूसरा किया जा रहा है कि कुछ प्लास्टिक्स जो है वो ब्लू रेड एंड कलर के पाए गए हैं जो माउंटेन एरिया में है, जो कि अपने आप में बता रहे हैं कि ये माउंटेन पे पाए जाने के कारण से ये ओशियानिक रीजन मतलब ओशियानिक बॉटम पे पाए गए हैं, और ये जो ओशियन बॉटम पे पाए जाने के कारण अभी इसका कितना इम्पैक्ट है ये तो नहीं बताया जा सका है, लेकिन काफी ज्यादा इंपैक्ट है और मरीन एनिमल को काफी ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है. इसी को लेकर के करंट अफेयर्स भी यहां पर देख सकते हैं. 2016 में रिसर्चर फर्स्ट ऑब्जर्व ब्लू एंड ग्रे, देखिए ब्लू एंड ग्रे प्लास्टिक पैचेस इन मदीरा वोल्केनिक पोर्चुगीज आइलैंड ऑफ नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका. द प्लास्टिक हैज इल इंपैक्ट ऑन मरीन एंड हैज शोन डेंजरसली. तो तीनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हो जाएगी, यहां पर स्टेटमेंट मतलब यहां पर आंसर में आ जाएंगे, तो ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए. गो ट्राइबल कैंपेन, जैसे हुआ क्या है कि जितने भी हमारे पास ट्राइबल पॉपुलेशन है आपको पता है कि ये इंडिजिनस वर्क कर रही होती है. इंडिजिनस वर्क कहने का मतलब हो गया कि यहां पर जो काम किए जाते हैं वो जैसे बैंबू का बांस का हो गया या फिर कुछ और भी इसी तरीके के इंडिजिनस वर्क कर रहे होते हैं, तो इनके वर्क को और प्रमोट करने के लिए साथ ही साथ इनको और ज्यादा वैल्यूएशन देने के लिए एक गो ट्राइबल कैंपेन लॉन्च की गई है. इस लॉन्च का सीधा मतलब है कि द कैंपेन इज लॉन्च टू प्रमोट द ट्राइबल के जो हैंडीक्राफ्ट है और नेचुरल प्रोडक्ट है इनको प्रमोट करना, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी. द इवेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय ट्राइफेड, बिल्कुल ट्राइफेड के द्वारा किया गया है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है. तो बेसिकली ये ट्राइबल्स के लिए ये काम किया गया है, तो ये मिनिस्ट्री यहां पर ये रॉन्ग लिखी गई है. थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, इसलिए स्टेटमेंट केवल और केवल ए करेक्ट होगी यहां पर. अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए. रिसेंटली बुद्धिस्ट लिरिक लाइमस्टोन पिलर हैज बीन अनअर्थ फ्रॉम द आंध्र प्रदेश. ये अगेन वही जो हम लोगों ने अभी बात किया हुआ था कल्चर को लेकर के. यहां पर देखिए क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो प्रिजर्व हेरिटेज फॉर प्रोस्टेरिटी एक कैंपेन के बारे में बात किया था, वही यहां पर इसी से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन है कि बुद्धिस्ट लिरिक लाइमस्टोन पिलर हैज बीन अनअर्थ फ्रॉम द आंध्र प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये बता रहा है कि इट बिलोंग्स टू द इक्ष्वाकु टाइम्स. एक्चुअली हुआ क्या था, थोड़ी सी भी हिस्ट्री यहां पर बता देता हूं, ऑल्दो आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा. यहां पर महाजनपद के टाइम पे एक होती थी अश्मक एक महाजनपद होती थी. ये जो महाजनपद थी बेसिकली वो शुरू में इक्ष्वाकु वंश के द्वारा बेसिकली रूल किया गया था, और इक्ष्वाकु के बाद फिर अल्टीमेटली सातवाहन वंश आ जाता है, और इस सातवाहन डायनेस्टी सातवाहन वंश के बाद फिर अल्टीमेटली यहां पर चालुक्य आ जाते हैं. तो इस तरीके से यहां पर जो है ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो बुद्धिस्ट रिलिक्स रिलेटेड है. एंड दीज आर दिला मंडप जो है वो वेयर बुद्धिस्ट टीचर्स ऑफर रेगुलर डिस्कोर्स ऑफ धम्म ऑफ द बुद्धिस्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो जाएगी. क्लियर हो गया. नेक्स्ट देखिए सुरजीत भल्ला कमेटी की ही आ गई है, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया. तो यहां पर बोला गया है कि इनकरेक्ट क्या है, तो ट्रेड एंड पॉलिसी से रिलेटेड है, बिल्कुल
करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये मर्चेंडाइज और सर्विस प्रमोशन पॉलिसी बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने ही एलिफेंट बॉन्ड के बारे में जो हम लोगों ने भी बात किया है, वो एलिफेंट बॉन्ड इन्होंने ही प्रपोज किया हुआ है। प्रपोज तो क्या, इन्होंने एलिफेंट बॉन्ड तो बहुत पुराना है, बट इन्होंने कहा है कि वो सारी चीजें मतलब 50% ऑफ द फोर्स्ड यहां पर इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, यहां पर चीजें लेनी पड़ेंगी। लेकिन यहां पर टैक्स रिफॉर्म ये गलत है, ये सही नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट पूछा हुआ है, यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करें, L9859 वाज रिसेंटली इन न्यूज। ये जो है एक एक्सोप्लैनेट है। कभी भी आपको इस तरीके का नाम मिले, एक बार आप जरूर ध्यान रखिएगा, दिस कैन बी अ एक्सोप्लैनेट। जिसे क्या होता है कि केल्प हो गया, केल्प 3b, केल्प 9b, इस तरीके से अलग अलग नाम आए थे जिसे केल्प के द्वारा खोजा गया था, कीपलर के द्वारा बेसिकली खोजा गया था, तो वो अलग थी। लेकिन अभी फिलहाल टेस्ट के द्वारा खोजा जाता है, और टेस्ट के कारण से यहाँ पर जो नाम निकल के आ रहा है वो आ रहा है L9859 भी भर खोजा गया इसी तरीके से, और इसी तरीके से L9859C भी खोजा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसी से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में देखा जाए तो कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोटॉन थेरेपी। जैसे क्या होती है कि हमारे पास बहुत सारी, जैसे एक्सरे, हम लोग एक्सरे के थ्रू भी मेडिसिन करते हैं, अल्ट्रावायलेट के साथ भी कर रहे होते हैं, गामा रेज के साथ भी कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे हम लोग रेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कंट्रोल्ड मैनर में यूज करते हैं। फिलहाल अभी रिसेंट में प्रोटॉन थेरेपी पर भी काम करना शुरू कर दिया गया है, एंड इट इज बींग यूज्ड दिस प्रोटॉन थेरेपी विल बी यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये यूज किया जाएगा। तो इट इज अ टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन थेरेपी बीम। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इट यूज प्रोटॉन रादर देन एक्सरे टू ट्रीट कैंसर जस्ट लाइक एक्सरे। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है कौन सी इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है बार्क को लेकर के, बार्क मतलब एटॉमिक रिसर्च सेंटर को लेकर के। इट इज अ PSU, बिल्कुल करेक्ट है, जो कि एटॉमिक रिसर्च और डेवलपमेंट कर रही होती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टैट्यूटरी स्टेटस तो बिल्कुल है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत नहीं आती है, दिस इज नॉट अ DRDO, ये जो है न्यूक्लियर के अंतर्गत आती है और ये न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्वेश्चन नंबर, यानी कि ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, बाकी के जो कह लीजिए कि स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों ही बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करें, मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखिए, मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो आर्टिकल 87 में दिया गया है, करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर एंड फर्स्ट सेशन ऑफ न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट हेल्ड मोशन ऑफ थैंक्स, तो अगेन ये भी करेक्ट है, इसका पास होना जरूरी होता है, अदरवाइज सरकार गिरने का एक डर रहता है। नोटिस ऑफ सच अ मोशन इज रिसीव्ड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, अगेन ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो लास्ट में एक बचा डी, वही एक इनकरेक्ट हो सकता है, एक बार पढ़ भी लेते हैं। आर्टिकल 86(d)(1)(1) डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन ऑफ मैटर रेफर्ड। देखिए एक्चुअली क्या है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है और इसमें सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें कोई भी चीज रॉन्ग नहीं है, ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल नंबर 86(1) में सब कुछ तो दिया गया है, बट टाइम कितना अलॉट किया जाए इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे, ये एक बोनस क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, इसका कोई भी आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में देख लिया जाए, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। तो देखिए यहां पर अगर आप बात करेंगे, यहां पर अगर वुमेन डेवलपमेंट के बारे में अगर बात किया जाए, वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली रिलेटेड है किससे। वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो शंघाई डिक्लेरेशन है, इसके लिए शंघाई डिक्लेरेशन 2015 के पेपर में ये पूछा गया था, तो अगेन रिपीट होने की संभावना कम है। टीवी प्रोडक्शन ये है बेसिकली मॉस्को डिक्लेरेशन, तो ये ध्यान में रखिएगा। रोड सेफ्टी ब्राजीलिया डिक्लेरेशन है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में देखें, यहां पर भी बोलता है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। यहां पर है बेसिकली रोड सेफ्टी एडवोकेसी को लेकर के। जैसे हुआ क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने यह कहा है कि जितने भी एनजीओज हैं जो कि ये एक भला काम करना चाहते हैं, मतलब कि मान लीजिए कोई रोड है इंपॉर्टेंट है काम के लिए भी, मतलब ट्रेड के लिए भी, ट्रांसपोर्ट के लिए भी और कनेक्टिविटी के लिए भी, तो अगर कोई एनजीओ अगर इसमें अपना वॉलंटियर बेसिस पे कोई रोड बनाता है और अगर सरकार को ये लगता है कि इसने काफी अच्छा काम किया है, तो गवर्नमेंट इनको रिइंबर्स कर देगी, मतलब आगे जाकर के जो भी पैसा इन्होंने लगाया है वो पैसा वापस कर दी जाएगी। बट प्रोवाइडेड एनजीओ एक वॉलंटियर बेसिस पे काम करे, मैल इंटेंशन के साथ काम नहीं करे। लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार का
एडवांस पेमेंट नहीं दिया जाएगा. दिस विल बी प्योरली ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ एनजीओ की वो बनाना चाहती है या नहीं बनाना चाहती है. यहां पर स्टेटमेंट देख लेंगे, इनकरेक्ट के बारे में बात करना है ध्यान रखिएगा. द स्कीम इज फॉर ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एनजीओज, बिल्कुल करेक्ट है, दिया तो जा रहा है लेकिन पहले नहीं दिया जाएगा. द स्कीम इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. इन द स्कीम एंड एडवांस फुल पेमेंट, इस एडवांस पेमेंट विल बी गिवन टू दोज एनजीओ हु आर डेवलपिंग रोड फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर एडवांस फंड नहीं दिया जा रहा है. बाकी जो भी दर्पण पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे केवल वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं. क्लियर हो गया. क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में देखें तो यूनाइटेड नेशंस नॉन सिक्योरिटी मतलब नॉन परमानेंट सीट के बारे में है. यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करें तो देखिए यूएन एक संस्था है जो कि आफ्टर 1945 जब वॉर खत्म हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब बना दी गई थी और इसके 6 सब्सिडियरी ऑर्गन्स है जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटरी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर उसके बाद इकोसोक हो जाती है और आईसीजे हो जाती है. तो बेसिकली 6 ऑर्गन्स है. बाकी जितनी भी चीजें आती हैं वो सब्सिडियरी हो जाती हैं और इससे अटैच्ड है जैसे एफएओ हो गया या यूनेस्को हो गई या फिर यूएन इकोनॉमिक ऑफिस हो गया. तो बहुत सारी और भी संस्थाएं हैं जिसको कि आप देख सकते हैं. ये स्टेटमेंट के बारे में बात करें द सिक्योरिटी काउंसिल हैज 10 नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्टेड ऑन अ रीजनल बेसिस फॉर अ सर्वाइवल, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट. यहां पर ध्यान में ये रखना है कि ये रीजनल बेसिस पे होता है मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया में भी अफ्रीकन मतलब कि अरेबियन पेनिनसुला का अलग होता है, फिर उसके बाद से एशिया का अलग होता है, साउथ ईस्ट एशिया का अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया. तो इस तरीके से अलग अलग लोगों की अपनी रीजनल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. प्रोविजन हैज बीन डन टू रिजर्व 1 सीट फॉर अरब नेशंस, ये भी करेक्ट है क्योंकि अरब के लिए एक सीट फिक्स होती है. इंडिया हैज रिसेंटली हेल्ड अ नॉन परमानेंट सीट फॉर 7 टर्म्स, बिल्कुल करेक्ट है. देखिए इंडिया इस बार 8वीं बार बनेगा. देखिए याद करने का 7 में से कौन कौन से टर्म रहे हैं, बहुत आसान तरीका है. एक बार जब 1950 में अपना गणतंत्र हो गए थे हम लोग, मतलब कि हम लोग जब रिपब्लिक बन गए थे, पहली चीज हो गई. दूसरी 1967 के दौरान में आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा उठा पटक चल रही थी पॉलिटिकल कंडीशन में. यहीं पर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ भी लाया गया था, मतलब शेड्यूल 10 को भी इंट्रोड्यूस किया गया था. फिर उसके बाद 1972 एक थोड़ा सा अलग है जो आपको ध्यान में रखना है. 1977 अगेन ब्लैक डेज ऑफ इमरजेंसी के बाद तुरंत ये हम लोग इलेक्ट कर लिए गए थे. फिर उसके बाद से 1991 अगेन इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन हुआ था फिर भी हम लोग इलेक्ट कर लिए गए थे और फिर अल्टीमेटली 2021 में हम लोग फिर से इलेक्ट हो गए हैं. तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम हो गया, 7th टाइम हम लोग होने वाले हैं, नॉट 8th टाइम, हम लोग 7th टाइम पे होने वाले हैं. दिस इज द होल थिंग अगेन, ठीक है. तो अगेन यहां पर देखेंगे इंडिया हैज ऑलरेडी हेल्ड अ नॉन परमानेंट सीट फॉर 7 टर्म्स, ठीक है. तो इस तरीके से हमारी स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी, 1 and 2, 1, 2 and 3. तो यहां पर देखिए 7th टर्म एक छूट गई, यहां पर 1984 में भी हम लोग हुए थे. तो अगेन इंदिरा गांधी की जब डेथ हो गई थी, असासिनेशन हो गया था, उसके बाद भी हुआ था 7th टर्म. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ऊपर वाली भी करेक्ट है. तो ये सारे स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है और करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया, तो एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, इसलिए नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा. क्लियर हो गया. तो यहां पर प्रोविजन जो होती है वो एक्चुअली प्रोविजन नहीं है, दिस इज इनफॉर्मल प्रैक्टिस. इनफॉर्मल प्रैक्टिस ये ध्यान में रखिएगा, इनफॉर्मल प्रैक्टिस है, ठीक है. आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को लेकर के. क्वेश्चन नंबर 22 है कि नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये इलेक्ट होते हैं 2 साल के लिए. तो इसमें नॉमिनेशन अपॉइंटमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, 2 साल के लिए इलेक्ट हो रहे होते हैं, आपको पता चल जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, यहां पर है साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर को लेकर के. बेसिकली डीजीपी की मीटिंग हुई थी और यहीं पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया हुआ था. द पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एट डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. दूसरी स्टेटमेंट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एंड अदर स्टेक होल्डर, बिल्कुल करेक्ट है. अगेन साइबर स्पेस को लेकर के ये बनाया गया. इट हेल्प्स टू कोलैबोरेट एंड कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स टू रिजॉल्व साइबर क्राइम एंड अदर साइबर रिलेटेड इश्यूज. तो अगेन ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, यहां पर सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 24, हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया, अगेन एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, हालांकि इस पे क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी सी कम है, बट स्टिल एक बार इसको ध्यान में रखिएगा. एक्चुअली ये स्टेट पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं. फिलहाल देख लीजिए कि ये नीति आयोग ने ये निकाला हुआ है, मेंस के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इस तरीके से चीजों को देख सकते हैं. फिलहाल देखते हैं इसमें क्या कुछ है. तो रिपोर्ट हैज बीन डेवलप्ड बाय नीति आयोग, बिल्कुल करेक्ट है, विद टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड
मतलब कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. हेल्थ से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तो आप इंक्लूड कर ही सकते हैं. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपटीटिव फेडरलिज्म ओवर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि यहां पर कंपटीशन जनरेट किया जा रहा है रिपोर्ट के माध्यम से. जो भी स्टेट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे ऑब्वियसली उनको एक रैंक दिया जाएगा और इसी वजह से जो होती है कंपटीटिव है. द इंडेक्स रैंक द स्टेट एंड यूटी बेस्ड ऑन 23 हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर्स. देखिए इसके बारे में आप याद नहीं कर सकते हैं कितने पैरामीटर हैं क्योंकि मल्टीपल रिपोर्ट्स होती हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी होते हैं. मान के चलिएगा सही है, हालांकि इसको ध्यान में रखना है, बट स्टिल मान के चलिएगा. इन केस अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मान के चलिएगा करेक्ट स्टेटमेंट ही होगा. द रिपोर्ट इज टू इनकरेज द स्टेट टू वर्क ऑन अचीवमेंट ऑफ एसडीजी गोल डेवलप्ड बाय यूएनडीपी. अगेन ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो यहां पर जब आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा नन, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट ही करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे. जब आप देखेंगे यहां पर तो बेसिकली ऑप्शन भी आपको एक आइडिया दे रहे होंगे कि यस ऑल द स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करेंगे. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन. यहां पर बात कर रहा है कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, मतलब कौन सी इसमें सही स्टेट है बताना है. द रीजन विटनेस टेम्परेट क्लाइमेट. तो टेम्परेट क्लाइमेट का मतलब हो गया कि यहां पर स्टेट में कोल्ड टेम्परेचर होगा. एंड मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टेट इज फॉरेस्ट, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट का कोई इलाका होगा. चलिए यहां पर अब हो सकता है गोवा तो बिल्कुल नहीं होगा, कर्नाटक भी नहीं हो सकता है, केरल भी नहीं हो सकता है, एंड दिस विल बी ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश. देख लेते हैं और भी क्या है. 1987 में इसको फुल स्टेटहुड दे दी गई, अपने आप पता चल गया देखिए क्या चीज है. सीधी सी बात है, आंसर इसका हो जाएगा ए. ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 तक वहां पर देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे.